गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज आम पढ़ाक जा चालकोलिथिक सेटलमेंट्स चालकोलिथिक पीरियड उपर पूर्व क्लास रे आम कौन पढ़ते ना न्यूलिथिक सेटलमेंट्स पढ़ते साधारण ये जो तुम टॉपिकटा अच्छी ये आम तीन टा पार्ट में पढ़ा प्रथम दुईटा पार्ट मुझे अलरेडी सारी आईटा थर्ड पार्ट पढ़ा बुझाला। आज कौन पढ़ाक आज आम चालकोलिथिक विषय द टर्म चालकोलिथिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड नोन आज चालको व्हिच मीन्स कॉपर एंड लिथिक व्हिच मीन्स स्टोन दस द मीनिंग ऑफ चालकोलिथिक एज इज कॉपर स्टोन एज। ये कौन कहला ना जो चालकोलिथिक शब्दा ये साधारण दुईट ग्रीक शब्द द्वारा गठित हो गोटे ग्रीक शब्द है चालको जार मान है कॉपर तंबा आउ गोटे ग्रीक शब्द है लिथिक जार मान है स्टोन पथर तेणुक चालकोलिथिक कंबाइन मीनिंग करूँ ताम्र प्रस्तर जुग बुझेगा इट इज द इंटरमीडिएट टाइम बिटवीन न्यूलिथिक एंड इयरली आयरन एज। ये कौन कहला ना ये चालकोलिथिक पीरियड ये साधारण कौ दुईटा पीरियड मध्य आसे गोटे न्यूलिथिक पीरियड जहाँ पूर्व क्लास में पढ़ते और चालकोलिथिक पर जो एज आसे आयरन एज बा लौह जुग भी कहते साधारण ये चालकोलिथिक पीरियड ये न्यूलिथिक आउ आयरन एज बा लौह एज ता मध्यवर्ती समय पड़े बुझेगा। तापर इट वाज द इंपोर्टेंट बिकॉज डिस्कवरी इंट्रोडक्शन एंड वाइड पीरियड ऑफ वेरियस मेटल्स सच आज कॉपर टीन ब्रोंज आलोंग विथ द कंटिन्यूशन ऑफ स्टोन टेक्नोलॉजी। ये साधारण तुम मन रखियो जी जो चालकोलिथिक पीरियड रे आमको कौन देखा मिले ये जो समयटा कहीं पॉपुलर हिस्ट्री रे कारण यही समय ही मनुष्य प्रथम जो जिते सब धातु था खास करके जो तंबा रहा किण रहा ब्रोंज धातु रहा से धातु मानक उपयोगिता विषय जानवा को पाइला और ताकू भी दैनंदिन जीवन में लगे लगला क्या कह ना कॉपर बा तंबा को टीन बा टीण को ब्रोंज माने ब्रोंज धातु को आ सहित भी आउ जो आगुरु जो प्रचलित था जो जो कौन पथर या हाथ हतियार भी से यूज करने को लगला मानने पथर या जिनस भी यूज कला सहित जो नुआ जो टेक्नोलोजी बढ़ला से मैंने तंबा टीण आ ब्रोंज परीक्षा धातुर भी यूज करवा जानले बुझेगा। तुम इन सम रिजन इट इज रिफर टू आज ब्रोंज एज तुम पढ़ाक जो जो ब्रोंज एज सभ्यता विषय पढ़ो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जो पृथ्वी में चार प्रकार ब्रोंज सिविलाइजेशन था गोटे चाइनीज सिविलाइजेशन साउथ एशिया जो आम हड़प्पा सिविलाइजेशन इजिप्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ये कौन थे ना इन्हें साधारण सब ब्रोंज धातु को अधिका व्यवहार करते तेणुकर आपको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते मैंने जो चालकोलिथिक पीरियड रे ये जो चारिटा सभ्यता कहली जो चारिटा सिविलाइजेशन कहली ये साधारण ये चालकोलिथिक पीरियड रे ही डेवलप होते हैं तेणुकर से सभ्यतार कौन अधिका यूज करते ब्रोंज धातु को अधिका यूज करते तेणुकर से सभ्यता को क्या कौन कहुए ना ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते आउ चालकोलिथिक अन्य नाम भी ब्रोंज एज बुझेगा। इन दिस पीरियड फास्ट फार्मिंग विलेज वेयर एस्टाब्लिश ये कौन कहला ना जो चालकोलिथिक पीरियड रे प्रथम आमको कौन देखा मिला ना कृषि करूवा लोक मान गाँ सब बसती स्थापन होगा लगला यही पीरियड सब देखा पाई एंड फ्लोरिस्ट इन साइंग विथ चेंजिंग सीजनल इनवायरमेंट्स पर्टिकुलर आलोंग रिवर वैली सी कौन कहला ना जो ये चालकोलिथिक पीरियड रे जो सब सभ्यता गढ़ी उठाला जो कहली जो चाइना सभ्यता हड़प्पा सभ्यता इजिप्ट सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता ये साधारण कौ कौ सब जो जो सब आम कौन इनवायरमेंटल चेंज है मैंने जो आम सब चतुर्पाश्वर जो सब पापाग था चतुर्पाश जो क्लाइमेट था ये चेंज हेबारु लोक मैंने धीरे धीरे से ही जो नुआ नुआ इनवायरमेंट को गले और सी खाप खुआ चलने को लगे आउ तेणुक साधारणतः जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन सब रहा जो कहले चाइना मेसोपोटामिया हड़प्पा एम सब कौन है ना धीरे धीरे जो आम नदी अवबाहिका था नदी कूल से सब बसती स्थापन करने को लगे बुझेगा। जमी चाइना सभ्यता जो था सी होयांगो नदी कूल में बसती स्थापन करते लोक मैंने इजिप्ट सभ्यता था सी नील नदी मुहाँ से बसती स्थापन करते मेसोपोटामिया सभ्यता था सी कौन था ना जो टाइग्रीस आउ यूफ्रेट्स नदी कूल में अवस्थित था आउ हड़प्पा सभ्यता था सी आम सिंधु नदी कूल में अवस्थित था बुझेगा। तापर इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट चालकोलिथिक एज वाज एक्जिस्टेड ओनली इन नॉर्थ इंडिया बट नॉट इन साउथ इंडिया। ये कौन कहला ना जो चालकोलिथिक पीरियड बा ताम्र प्रस्तर युग भारत साधारण कौट देखा जाए उत्तर भारत में ही देखा जाए आउ आम दक्षिण भारत में चालकोलिथिक पीरियड किसी एविडेन्स मिले कहीं जो उत्तर भारत में कहला ना जो प्रस्तर युग पर मैं आयु जो स्टोन एज पर आमको चालकोलिथिक मैंने कॉपर एज देखा मिलला किंतु साउथ इंडिया रे स्टोन एज पर कौन से कॉपर एज न देखा जाए डायरेक्ट आयरन एज ही देखा मिले बुझेगा। तेणुक आमको नॉर्थ इंडिया रे तो चालकोलिथिक पीरियड देखा मिले किंतु साउथ इंडिया देखा मिले बुझेगा। तापर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो चालकोलिथिक पीरियड साधारण कौन सब कमन वैशिष्ट मैंने इंपोर्टेंट वैशिष्ट सब अच्छी बुझेगा।
मेनी साइट्स कैन बी लेबल्ड आज स्मॉल विलेज ये साधारण कौन कहला ना जो चालकोलिथिक पीरियड जी सब आम स्थल मान सब आविष्कार होती सी साधारण कौन सब छोट छोट गाँवली सभ्यता थे मैंने छोट छोट गाँ परिका से बसति स्थापन करते बुझाला मोस्ट नोन साइट्स कैन भी क्लासीफाइड आज स्मॉल हैमलेट्स फार्म स्टेट्स एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर जितकी सब साइट्स भी आम खनन कर उत्खनन करती सब पॉपुलर साइट सब मिली सी साधारण कौन स्मॉल हैमलेट्स मैंने छोट छोट कुड़िया घर जिनका सब थाए टिकी टिकी बसति स्थापन करते छोट छोट गाँ सब आ फार्म स्टेट्स मैंने मैंने गोटे फार्म हाउस थो ता चारिपटे जो क्षेत्र मानने जमी थो सीता टिकी टिकी मानने गोटे गोटे फार्म गोटे गोटे कृषक आईला सी गोटे फार्म हाउस करदेला ता चारिपटे किसी पशु पक्षी को पालला ताको फार्म स्टेट्स कहते आ क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर मानने जो सब छोट छोट आम देख सब कौन टी हाँ या कि छोट छोट कौन कपर धातु किसी मानने कौन हाथ या सीता मैंने गोटे पर्टिकुला जिन आम देखो आम गाँ मानक कौटी कुंभार गाँ थाए कौटी कमार गाँ थाए कुंभार गाँव में कौन मटी हाँ से करती कमार गाँ कौन जो कौन सब आईरन रे लुहार सब मानने जिनस सब करती ये जो सेन्टर थे मैं चालकोलिथिक पीरियड जो गाँ सब था कौन छोट छोट क्षेत्र लुहार प्रयोग मैंने जान थी ना से कौन कपर गाँव था मानने तंबा तैयारी करुवा छोट छोट बस्ती था तापर ब्रोंज धातु तैयारी करुवा कि बस्ती था बुझाला सब इन क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर मानने तुमको कही पार्जन जी गाँव में सबकि गोटे गाँ कि गोटे गुण को लेकिन मानने गोटे गाँ कि तंबा जिन तैयारी आउ गोटे गाँ कि ब्रोंज धातु तैयारी करता आउ गोटे गाँ कौटी टीण धातु तैयारी करता बुझाला इन सब गाँ छोट छोट मानने क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर को भी चालकोलिथिक पीरियड गोटे कमन बड़ वैशिष्ट्य बुझाला मेजोरीटी अफ द ड्वेलिंगस वेयर सिंगल स्टोरीड एंड मेड अफ अफ मेड मड ब्रिक्स एंड मड वाटल बिफोर बिंग प्लास्टर्ड विथ काउडंग एंड लाइम कौन कहला साधारण ये जो घर सब रोते चालकोलिथिक लोक मैंने साधारण घर कौन तैयारी होता ना मड ब्रिक्स जो रहा आमर जो जो कादू इटा मैंने कादू चकटी जो इटा छाचर पक इटा तैयारी हुए से इटा को तैयार कराला घर आस मड वाटल मैंने जो आम कह छण पट लगे कादू लगे कादू लेसाई जो घर तैयारी हुए मानने जानते जो मानने बाउंश पोता ही बाउंश बता ता चारिपटे कौन होगा ना कादू नेसिकी घर कांथ या सीमिता डिजाइन घर एम सब रोते जेहतु कि गाँवली सभ्यता था ना बुझाला टूल्स मेड अफ स्टोन बोन वुड आंटलर वेयर वाइड स्प्रेड दैन कपर एंड ब्रोंज ड्यू टू अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कौन कहला ना साधारण एम जो सब हाथ हथियार करते ये साधारण कौन तैयार होता है ना स्टोन पथर तैयारी होता है बोन हाड़ तैयारी होता है उड़ मैंने काठ से तैयारी होता है आंटलर मैंने जो सिंह सब था पशु मानक भी एम हाथ हथियार करते और सहित एम कपर मैंने तंबा और ब्रोंज धातु भी हाथ हथियार करते कहीं करते कारण ये जो धातु मैंने सब कहली कपर ब्रोंज आर तो से यूज कर जानी देते जो ये स्टोन आउ हाड़ आउ आंटलर मान जो सिंहर आपको आ दे कहीं मैंने तैयारी करते हाथ तैयार कारण यार अवेलेबिलिटी मैंने यार उपलब्धता सहजे से मिल जाता अफोर्डेबिलिटी मैंने ये सुलभ मूल्य भी मिल जाता मैंने कम परिश्रम करके जिन आनी पारे संग्रह कर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी मैंने आपको पाखे भी कतक टेक्नोलोजी जेहतु डेवलप हो जाता से मैंने कपड़ा ब्रोंज भी धातु जिनस हाथ तैयारी कर पारे बुझाला पॉलीक्रोम प्रिंटेड पोटरी वाज ए मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर अफ द चालकोलिथिक पीरियड ये कौन कहला ना जो पूर्वर जो सभ्यता था नियोलिथिक सभ्यता हो कि अन्य कौन सभ्यता हो से कौन होता ना यूनिक्रोम पोटेरी होता मैंने गोटे कलर टाइप रे गोटे कलर रटी हाँ तैयारी होता कि जो चालकोलिथिक पीरियड है से पॉलीक्रोम मैंने दुई रु तत्यधिक रंगर कलर युक्त मटी हाँ से तैयारी कले साधारण कौन बी आर डब्ल्यू अंत जोटा कहली जो कौन पूर्व क्लास जो पढ़ते जो आम नियोलिथिक पीरियड लास्ट फेज रे को टाइप मटी हाँ तैयारी ना बी आर डब्ल्यू टाइप मटी हाँ तैयारी है बी आर डब्ल्यू कौन ना ब्लाक एंड रेड वेयर मैंने जो मटी हाँ था ये साधारण दुईट कलर में तैयारी होता मैंने पॉलीक्रोम गोटे ब्लाक कलर था और ता सहित रेड कलर दुईटा को कलर मिसिकी मटी हाँ तैयारी होता बुझेगा तापरवर्ती नोट्रे कौन लिखा ना द पीपुल अफ चालकोलिथिक एज वेयर एक्सपर्ट कपर स्मिथ्स इभोरी कार्भर्स लाइम मेकर्स एंड टेराकोटा आर्टिसन्स कौन कहला जो चालकोलिथिक पीरियड लोक मैंने ये साधारण कौन एक्सपोर्ट करते कौन दक्षता पारदर्शिता करते ना कपर स्मिथ जेहतु ये कपर बा तंबार यूज जानते हैं तेणुक तंबार विशिष्ट कम करते तेणुक कपर स्मिथ मैंने तंबा जी कम करते कपर स्मिथ कहते बुझाला तादी भी मानने महारत हासिल करते इभोरी कार्भर्स मैंने जो हाथी दात जो जिनस भी कम करते आ
पाइप मेकर्स मैंने जो चून तैयारी करते भी ये कम करते टेराकोटा आर्टिसन मैंने मटी या किसी कंडई है मटी या किसी जो रोसे सामग्री है आपको भी तैयारी करते हैं। पीपुल हाड नलेज अफ स्पिनिंग एंड वेविंग एंड फ्लाक्स कटन एंड सिल्क थ्रेड वेयर फाउंड आट सैड्स इन महाराष्ट्र कौन कहला ना लोक मैंने जो चालकोलिथिक पीरियड एम कौन जानते ना स्पिनिंग आउ वेविंग मैंने सूता काटा आता सूता को बुणी किसी लुगा या तार भी मैंने कला एम जानते कौन चालकोलिथिक पीरियड आम यार प्रमाण कौट मिले ना महाराष्ट्र में जितेक सब सैट बा स्थल आविष्कार होटा फ्लाक्स जो कौन सण बा जो पटिका जोटा कहते बुझे सीमता गोटे अच्छी गोटे उद्भिद ताद ये छण बा सण जो सण नहीं सण सण मटेरियाल को ग्रहण कराए कटन मान जो तुला रहा सिल्क मान जो रेशम रहा भी ये यूज करा जानते बुझे द एडल्ट्स वेयर बॉडी डायरेक्टली इन द ग्राउंड एंड एक्सटेंडेड पोजिशन ये कौन कहला जो एम जो सब मरी जाते जो चालकोलिथिक लोक मैंने केमी पोजुते ना एक्सटेंडेड पोजिशन मानते जमी आम जमी शोऊ जमी शब को जमी पिठी को पिठी पटिया शुआ हुए मैंने चीत हो जो शुआ हुए सेम टा पोजिशन मटी खोल शब को पोता जाता है ओकेजनाली द फिट वेयर मिसिंग दैट इज प्रिज्यूम टू बी रिचुअली रिमूव्ड प्रायर टू द बरियाल ए कहला ना जिते सब बरियाल मिली जिते सब समाधि मिली साधारण जो समाधि जो लोक मैंने थे सब गोड़ कटा जाए बुझाला मैंने आकर बोधे गोटे से समय गोटे प्रथा था मैंने चालकोलिथिक पीरियड में लोक मतलब समाधि दिया पूर्व गोड़ काटिक आम मैंने बिना गोड़ मैंने गोड़ कटा जाए मान लोक ही आम समाधि दबू मैंने समाधि देवा पूर्व से जो डेड बॉडी रो गोड़ काटिक समाधि दौले बुझेगा तापर तुम कोर्स जहाँ अच्छी मैंने न्यूलिथ जो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स तापर आम पढ़ा पूर्व ये जो क्लास पढ़े रिसेंट से तुम बेसिक क्लास एवं जोटा पढ़ा ये तुम कोर्स अच्छे सेटलमेंट्स उपर आदि नौटा कि बारटा घंटे जो सेटलमेंट्स भलार पड़ा एक्जाम तुम से पॉइंट लिखी आसो भल मार्क मिले बुझेगा तापर कौन जो आम रहा चालकोलिथिक पीरियड ये साधारण चारिटा कल्चर में डिवाइड गोटे कायथ कल्चर गोटे आहड़ कल्चर गोटे मालुआ कल्चर आ गए जोरबे कल्चर बुझेगा ये जो चारिटा कल्चर कहली से चारिटा कल्चर में आमको अलग अलग स्थल सब देखा मिले बुझाला फास्ट है कायथ कल्चर साधारण कौट देखा जाए ना मध्यप्रदेश जो राज्य अच्छे भारत से देखा जाए आर साधारण दुईटा प्रमुख स्थल आमको आविष्कार होती गोटे कायथ से कायथर आमको कौन देखा मिले ना इयरली प्रेजेन्स अफ हर्स दैट इज हर्स टेराकोटा फिगराइन्स एंड हर्स बोन्स कौन कहला जो मध्यप्रदेश गोटे स्थल अच्छी कायथ से आमको कौन मिलला ना कौन भी चालकोलिथिक साइट जिते सब स्थल खनन हो चालकोलिथिक रेठार कौन भी घोड़ार किसी अवशेष देखा मिलनी कितु कायथर यही एकम्र चालकोलिथिक साइट जोटी आमको हर्स रिच्छी मानने रिमेन्स हर्स रे घोड़ार किसी अवशेष देखा मिली जमी हर्स टेराकोटा फिगराइन्स मैंने घोड़ार गोटे मटीर जो कौन जो रहा कंडई ताक भी देखा मिली सहित हर्स बोन्स आोड़ार किसी हाड़ भी देखा मिली यहाँ इंपोर्टां क्वेश्चन कौटी भी पचार कौटी कौ चालकोलिथिक साइड में आम घोड़ार अवशेष देखा मिली तुम लिख कौन ना कायथ कल्चर जहाँ कि मध्यप्रदेश अच्छी बुझेगा तापरवर्त गोटे कायथ कल्चर गोटे स्थल ना कौन डंगुआड़ा ये डंगुआड़े कौन लिखाई ना हर्स हाउस फ्लोर मेड अफ अ स्मल पेबल्स पेबल्स मुझे पूर्व क्लास में पढ़ी जो तुम नई की देखो जो झरणा होता है जो कौन झरणा पाखे जो छोटे छोटे पत्र पड़ता है तेज़ डायरेक्ट सब माड़ हो पा से कौन होता है ना पत्र गुराक चिकण बा गोलाकार से जो चिकण पथर को पेबल्स कहते बुझेगा से जो डंगुआड़े जो सब घर मिली से घर फ्लोर जोटा मैं तलटा जोटा मैंने जो पक्का जोटा से पेबल्स मैंने छोट छोट से पेबल्स पथर में तैयारी डंगुआड़े बुझेगा तापरवर्त कल्चर कौन आहड़ कल्चर जो ये जो कायथ कल्चर कहली ये साधारण कौ कल्चर ना जो आम जो हड़प्पा सभ्यता था हड़प्पा सभ्यतार पूर्ववर्ती समय रे ये कायथ कल्चर आता है बुझेगा तपर अहड़ कल्चर जोटा अच्छी से राजस्थान देखा जाए जो अहड़ कल्चर जोटा से जो हड़प्पा सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता समय ही अहड़ कल्चर मानने सांग हो चलुले बुझिपाल मैंने गोटेपट हड़प्पा सभ्यतार लोक मैंने भी कम करते आने चालकोलिथिक पीरियड भी कत गाँ भी से भी था आई चालकोलिथिक पीरियड जो गाँव था जो हड़प्पा समय सी है अहड़ कल्चर तक कहते जहाँकि राजस्थान में बुझेगा मैंने ये चालकोलिथिक पीरियड अहड़ कल्चर आ हड़प्पा सभ्यता ये दुटा एका सांगे चलुले बुझेगा तापर आकर कौन सैड्स कौन ना बलाठल गोटे अहड़ कल्चर गोटे स्थान है बलाठल जोटा कि राजस्थान देखा जाए तार इंपोर्टां डिस्कवरी कौन ना यार यू सेप रे यू आकार सब ओभन मान जो चूली सब मिली बुझेगा तो एविडेन्स अफ स्ट्रीट एंड लेंस लाइक हड़प्पा जो हड़प्पा सभ्यतार आम देखा मिलता कौन ना सब जो सहर गली कंदी जो सब रोड था से रोड कौन देखा मिले ये बलाठल भी सीधा हड़प्पा सभ्यता बोलिका सब आमको गली आउ सब रोड देखा मिले तापर फोर्टी फाइव वाल्स मेड अफ स्टोन मड ब्रिक्स एंड मड ये कौन कहला जो हड़प्पा हड़प्पा सभ्यतार सब सुनते जो प्रति जो स्थल था से स्थल गुराक चारिपटे कौन हुए गोटे गोटे जगार मैंने कौन मानने बाउंडारी बुलाई सीधा बलाठल भी आमको मड ब्रिक मान जो जो कादुअर चकटा जो ईटा ता दिए आउ स्टोन मान पथर से या जो बाउंडारी
जो आम स्थल मानक घर पाखे जो बाउंडरी थाए घर पाखे बाउंडरी सब देखा मिली कौटी ना बलाठरली बुझाला तापर ओल्डेस्ट एविडेंट ऑफ लेप्रोसी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब परीक्षार पड़े जी भारत कौ चालकोलिथिक साइट रे आमको प्रथम जो लेप्रोसी मानने कुष्ठ रोग प्रमाण मिली तुम लिखो बलाठल बुझाला परवर्त स्थल कौन अहरकल्चर से गिलुंड गिलुंड में कौन देखा मिली ना लार्जेस्ट नोन साइट ऑफ अहरकल्चर जो अहरकल्चर था राजस्थान तार सब बड़ स्थल कौटा ना गिलुंड ओनली चालकोलिथिक साइट बंड ब्रिक्स फाउंड माने आम पढ़ा आगू जा हड़प्पा सभ्यतार एकमात्र सभ्यता था जो जोटि की आमको पोड़ा इटा देखा मिले सेपरी गिलुंड रे भी आमको कौन मिले ना चालकोलिथिक पीरियड रे एकमात्र साइट जोटि की आमको पोड़ा इटा देखा मिलता कौटी ना गिलुंड रे बुझेला परवर्त साइट है ओजियाना ओजियाना कौन आम देखा मिली ना काउ एंड बुल फिगराइंस मेड अफ टेराकोटा ये कौन कहला ना गाई आउ जो षंढ मानक मटी या जो कलाकृति आम कौट देखा मिली ना ओजियाना देखा मिली तापरवर्त संस्कृति ना कौन ना मालुआ कल्चर मालुआ कल्चर कौन ये साधारण जो आम हड़प्पा सभ्यता था हड़प्पा सभ्यतार परे परे ये आसाला बुझाला ये साधारण कौट देखा जाए ना मध्यप्रदेश जो राज्य अच्छे साधारण दुईटा स्थल फेमस गोटे नब्दाटोली नब्दाटोली आम कौन देखा मिले ना बीड़ी मानुफैक्चरिंग सेन्टर मानते बीड़ी मैंने जो सब आगुरी अलंकार पिंधुले सब छोट छोट माली से माली को या फैक्ट्री कौट था ना नब्दाटोली थी ए प्रिंटेड पट डेपिक्टेड सीन विथ वुमेन एंड लिजार्ड पसिबली प्रोटो दुर्गा एथार गोटे गोटे टाइप रोटे ढाड़ गोटे टाइप रटी हाँ मिली जो थी कि गोटे गोटे सीन देखाई जो थी कि गोटे महिला और ता सहित गोटे लिजार्ड लिजार्ड मैंने गोटे साप बलिका कौन से गोटे चित्र तक अंकित होती जहाँफल कि जो मैंने प्रत्नतात्विक साइंटिस्ट मैंने जो मैंने थे से अनुधान लगे ये बोध हुए प्रोटो दुर्गा मैंने जो दुर्गा देवी को पूजा कराए हिंदी में से दुर्गा देवी पुरातन रूप ताको प्रोटो दुर्गा कहते क्वेश्चन इन परीक्षा पड़ा जो प्रोटो दुर्गा फिगर आइन्स वाला पट कौटी देखा मिलता है तुम लिखे नब्दा टोली बुझाला परवर्त डिस्कवरी कौन देखा मिलती ना फायर अल्टार है यज्ञवेदिका यज्ञवेदिका भी आमको नब्दा टोली देखा मिली तापरवर्त स्थल ना कौन ना नागडा नागडार कौन देखा मिली ना मल्टी रूम्ड हाउस मेड अफ मड एंड ब्रिक्स व्हिच आर बेक्ड इन बोथ सनलाइट एंड क्लीन एठार नागडार कौन देखा मिलला ना अनेक गुड़े कक्ष विशिष्ट घर सब देखा मिलला ना गोटे घर मानते गोटे घर भितर अनेक गुड़े रूम अच्छे सेपरी टाइप घर आम कौट देखा मिलला ना नागदार मिला आज घर सब देखा मिली ये साधारण जो सब इटारे कौतरे तैयारी से इटा गुराक साधारण जो मानने खरार सुखाई इटा कि क्लीन मानने जो भट्टी जला जाए कि पोड़ा इटा से भी या जो इटा यूज होती जोटी की नागड़ा देखा जाए बुझाला तपर ड्रेन मेड अफ मड ब्रिक्स जो एठार जो ड्रेन नड़ा सब देखा मिली नागड़े ये कौथे तैयारी ना मड ब्रिक्स जो काद चकटा इटारे ये ड्रेन गुराक तैयारी ता सहित टस्क मेड अफ ह्यूमान स्टाच्यू मैंने गोटे जो हाथी दात जो या गोटे मनीषर गोटे स्टाच्यू भी देखा मिली कौटी ना नागड़े बुझाला परवर्त संस्कृति ना कौन ना जोरबे कल्चर ये जोरबे कल्चर कौट देखा जाए जोरबे संस्कृति ये साधारण महाराष्ट्र राज्य में देखा जाए आधे भी दुटा स्थल फेमस गोटे दैमाबाद आउटे इनामगाँव ये जो दैमाबाद में कौन देखा मिली ना डेपिक्टिंग ए गॉड सराउंडेड बाय एनिमल्स एठार कौन देखाई ना गोटे मूर्ति देखाई जो थे कि गोटे गोटे देवता चारिपाखे केतेक जीव मैंने ठिया होती ताको कहुए प्रोटोरुद्र मानने फिगर ये साधारण कौट देखाई ना दैमाबाद देखाई तापर दैमाबाद कौन पर फेमस था ना ब्रोंज आर्टिकल मैं ब्रोंज धातु या जो सब जिन सी साधारण दैमाबाद तापर स्कर्बी डीज मैंने भारत उपमहाद्वीप में सब पुणा स्कर्बी रोग जो उदाहरण एविडेन्स आम कौट देखा मिली दैमाबाद देखा मिली तापर सेमी सर्कल टेम्पल सेमी सर्कल टेम्पल मैंने जो सब अर्धवृत्ताकार जो गोलाकार जो मंदिर था सेगुरा भी सब मंदिर मानते जो उपासना पीठ से कौट देखा मिली ना दैमाबाद देखा मिली तापरवर्त स्थल कौन ना इनामगाँव इनामगाँव में आम कौन देखा मिली ना हाउस विथ फाइव रूम मैंने गोटे घर था जो घर भितर पांचटा रूम थाए पांचटा कक्ष थाए सेपरी रूम भी आमको देखा मिली बुझाला परवर्त फाइंडिंग्स कौन ना गड इज सीटेड ओभर बुल ना यार गोटे देवी मातृका गोटे गोटे स्टाच्यू मिली जो थे कि से देवी कौन कर गोटे षंढ विराजमान होती तेणु ए मूर्ति कौट देखा मिली ना इनामगाँव में देखा मिली तो आज था तुम क्लास टोटाली जो चारकोलिथिक पीरियड रेते सब सेटलमेंट्स था आम जो तेरेटा सेटलमेंट्स पढ़ले ता विषय में भी लेखा पढ़ले आ सहित जो बेसमेंट क्लास था मैंने जीवनशैली कितना था से कौट रोते आर जो चारकोलिथिक पीरियड मैंने वैशिष्ट कौन ता विषय में पढ़ले आई होप यू रियली एंजॉय द क्लास जदि ये भिडियो सब भल लगे तेज़े लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को जमार भूल परवर्त क्लास में देखा जामर जो नेक्स्ट टॉपिक उपर आई होप यू रियली एंजॉय द क्लास वंदे मातरम।